हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसके हमने यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर ली। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर थ्री की, जिसके मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसमें मैंने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कंटेनराइजेशन, पैलेट्स के बारे में, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे इन हाउस कंपनी मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग। तो इन हाउस कंपनी मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम कंपनी के अंदर की बात करते हैं, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और आउटसोर्सिंग के अंदर आता है जब हम कंपनी के बाहर की बात करते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इन हाउस कंपनी मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्यूटेड बाय यूजिंग कंपनीज ओन पर्सनल एंड रिसोर्सेज। जब प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होता है? कंपनी के खुद के रिसोर्सेज या पर्सनल का यूज़ करके। पर्सनल के अंदर आता है जैसे कि स्टाफ, एम्प्लॉयज़ और मेम्बर्स, ये सब। आउटसोर्सिंग के अंदर आता है हायरिंग एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी थर्ड पर्सन को हायर कर लेते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के बाहर के। इनसोर्सिंग इज एन बिजनेस प्रैक्टिस परफॉर्म विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इनसोर्सिंग होता है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से। और आउटसोर्सिंग के अंदर वो किसे हेल्प करता है? आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को। इनसोर्सिंग जनरली प्लेस न्यू ऑपरेशन एंड प्रोसेस ऑन साइट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें न्यू ऑपरेशन और प्रोसेस का यूज़ करना है तो वो हम इनसोर्सिंग के अंदर करते हैं। आउटसोर्सिंग के अंदर हमारा आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, जो कि सेपरेट करता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस को। इसके कंक्लूजन की बात करते हैं, कंपनी कैन यूज़ आउटसोर्सिंग टू बेटर फोकस। जो कंपनीज होती है वो यूज़ करती है आउटसोर्सिंग का जिससे कि वो बेटर फोकस कर सके, मतलब ज़्यादा से फोकस कर सके कोर एस्पेक्ट पे बिजनेस के। दैट इज़ आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटी कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी। और अगर हम नॉन कोर एक्टिविटी की बात करें तो वो क्या इम्प्रूव करती है? एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बिजनेस की। एट द सेम टाइम आउटसोर्सिंग कैन अफेक्ट जॉब रेंजिंग फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट। जो आउटसोर्सिंग होती है वो अफेक्ट करती है जॉब को, जो कि कस्टमर सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर। वर्ल्ड सीबॉन ट्रेड एंड वर्ल्ड शिपिंग। तो वर्ल्ड सीबॉन ट्रेड की बात करते हैं, मतलब इसके अंदर हमारा फोकस होगा शिपिंग के ऊपर। तो अगर हम बात करें कि जो ज़्यादातर हमारा मोड प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कौन सा होता है? हमारा शिप। इन केस ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स, अगर हम कैरी करना है हमें गुड्स को, तो हम उसके लिए कौन सा ज़्यादातर प्रेफर करते हैं? शिप को। आउट ऑफ टोटल इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हम टोटल इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, 78% ऑफ ट्रेड इज़ हैंडल्ड बाय शिपिंग इंडस्ट्री। जो 78% तक है वो किस में हैंडल करता है, मतलब कौन हैंडल करता है? शिप इंडस्ट्रीज़ को, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और थर्ड पॉइंट में आता है, आउट ऑफ टोटल इंटरनेशनल ट्रेड 68% ऑफ ट्रेड इज़ हैंडल्ड बाय शिपिंग इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर वैल्यू की बात करें तो उसके अंदर 68% आता है। अब इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं, मतलब हम इसे किस तरह से मेजर करेंगे अपने ट्रेड को। तो हम इसको थ्री टाइप से करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, इट इज़ अ मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ ट्रेड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल मेजर ऑफ ट्रेड। जो इसका मतलब क्या है, इसको हमारा दूसरा नाम क्या है? फिजिकल मेजर, मतलब इसके अंदर हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका हमें पूरा पता है। फिर सेकंड आता है मॉनेटरी मेजरमेंट, मतलब इसके अंदर हम मनी टर्म्स के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। थर्ड आता है इट रेफर टू मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ वेट, मतलब अगर हम इसको किस में भी मेजर कर सकते हैं? वेट के टर्म्स में। वेट, अब जिस हम वेट की बात कर रहे हैं तो उस वेट को हम किस में मेजर करते हैं? मेट्रिक टर्म्स के अंदर। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की हमने बात कर ली, अब हम वैल्यू की बात करते हैं। इट इज़ मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ ट्रेड, इसके अंदर भी मॉनेटरी मेजरमेंट होता है। दूसरा आता है, इसके अंदर हम मैक्सिमम रिपोर्ट को तैयार करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब हमारे गुड्स की क्या वैल्यू है। थर्ड पॉइंट आता है डिसइक्विलिब्रियम, मतलब जो डिसइक्विलिब्रियम होता है हमारा वैल्यू के अंदर वो बहुत ही कम होता है, बट अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो उसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम हमारा ज़्यादा होता है। डिसइक्विलिब्रियम इन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ वेरी लेस व्हेन इट इज़ मेजर्ड बाय वैल्यू एज कम्पेयर टू मेजर्ड बाय वॉल्यूम। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, अगर हम स्पेस की बात करें तो उसके अंदर हम किसको देखते हैं? साइज ऑफ गुड्स को, मतलब हमारे गुड्स का कितना साइज है। फिर अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ शिपिंग का। इन 910 मोस्ट ऑफ शिप्स एंगेज इन कैरिंग कोल, मतलब अगर 910 की बात करें तो जो ज़्यादातर शिप्स थी वो किसके अंदर एंगेज थी, मतलब ज़्यादातर काम किस में करती थी? कोल के अंदर। 1957 के अंदर क्या हुआ, जो उसका ट्रेड हुआ वो कम हो गया, मतलब वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया, मतलब कोल से हम किसके अंदर हम ट्रेड करने लगे? ऑयल के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर, रिफाइंड ऑयल के अंदर, जिससे कि हमारे इंक्रीज़ हो गया 22 से लेके 53 पर आ गया।
द ट्रेड ऑफ ऑयल हैज़ इंक्रीज्ड, जो ट्रेड था हमारा ऑयल के अंदर वो इंक्रीज हो गया 225 मिलियन मेट्रिक टन्स इन 1950 के अंदर 225 था और 725 हुआ हमारा 1957 के अंदर। अब इसके अंदर क्या डिस्क्रिमिनेशंस आते हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं। शिप फ्लाइंग नेशन फ्लैग, जो शिप होती है उसके ऊपर हमारा किसका फ्लैग, मतलब जो जिस भी कंट्री का भी शिप होती है तो उसका हमारा फ्लैग होता है। दूसरा आता है डिक्रीज इन कस्टम ड्यूज, तो इसके अंदर क्या होता है, चेंज हो जाता है कस्टम ड्यूज के अंदर। थर्ड आता है क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो क्रेडिट टर्म्स होती है वो हमें बहुत ही कम मिलती है नेशनल शिप के अंदर। जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वो भी कम हो जाती है नेशनल शिप्स के अंदर। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रेफरेंस इज गिवन टू नेशनल शिप इज लोडिंग एंड अनलोडिंग, मतलब जो हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं नेशनल शिप्स को किसके अंदर, लोडिंग और अनलोडिंग के अंदर। रिजर्वेशन ऑफ कार्गो इज डन ऑन नेशनल शिप, जो रिजर्वेशन होती है गुड्स वगैरह की तो वो किसको की जाती है, नेशनल शिप्स को। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस सिस्टम की। कॉन्फ्रेंस सिस्टम एक एग्रीमेंट होता है जो कि शिप ओनर साइन करता है। शिप ओनर साइन करता है किसके लिए साइन करता है, कि जिससे कि उसे पता चले कि उसका फ्रेट रेट कितना रहने वाला है, नंबर ऑफ सेलिंग्स कितनी होगी, अदर टर्म्स एंड कंडीशन। द कॉम्पिटिशन बिटवीन द शिप ओनर इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसकी उतनी क्वालिटी होगी सर्विस की वो उस पर हमारा कॉम्पिटिशन रहता है। हिस्ट्री, अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। फर्स्ट शिपिंग कॉन्फ्रेंस वॉज 1875 कॉल्ड एज यूके कलकत्ता कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट हमारी हुई थी कॉन्फ्रेंस वो 1875 के अंदर हुई थी यूके के अंदर। नाउ देयर आर मोर देन 360 कॉन्फ्रेंस, बट अगर आज के टाइम पे बात करें तो 360 से बहुत ज़्यादा हो गई है। लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी फार ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर 22 मेंबर कंट्री ने पार्ट लिया था। इट कंट्रोल मोर देन 40 शिप्स, वो कंट्रोल करती है 40 शिप्स से ज़्यादा। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 100 कॉन्फ्रेंस, इंडिया जो है पार्ट है 100 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस का। अब इसके फीचर क्या होते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस के अंदर हम किस चीज़ को डिसाइड करते हैं। प्राइस कंट्रोल, मतलब प्राइस कितना रहेगा हमारा ट्रेड का। सेकंड, बेटर क्वालिटी, मतलब हम बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट हम देंगे अपने कस्टमर्स को। रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड जो है हमारा चेंज होता रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन वेराइज फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड, मतलब जो टर्म्स और कंडीशंस होती है वो चेंज होती रहेगी, डिफर करेगी हर ट्रेड में। पेनल्टीज़, अगर हम कोई हमारे डिफ़ॉल्ट वगैरह होता है तो उसमें हमें पेनल्टीज़ को पे करना पड़ेगा। डिपॉजिट इन एडवांस, मतलब हमें जो फीस वगैरह वो पहले से ही एडवांस में पे करनी पड़ेगी। पॉलिसी डिसाइडेड बाय वोट्स, जो पॉलिसी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, वोटर्स, मतलब जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे। इन सम कॉन्फ्रेंसेज द नेट अर्निंग आर पूल्ड बाय द मेंबर्स, जो नेट अर्निंग होती है वो किसके द्वारा पूल करी जाती है, मेंबर्स के द्वारा, ऑन द अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज डिसाइडेड इन द कॉन्फ्रेंस, जो परसेंटेज डिसाइड करी जाती है कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ये तो हमने बात करी इसकी फीचर्स की, अब हम आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। अवॉइडेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में इसका जब इसका प्राइस वगैरह को डिसाइड कर लिया तो इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम रह जाता है। एवरी मेंबर गेट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हर मेंबर के पास एक मतलब प्रॉफिट बचता ही है। हेल्प इन मेकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। डिक्रीज अनडिजायरेबल रिस्क, रिस्क बहुत कम हो जाती है हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर। इक्वालिटी ट्रीटमेंट, मतलब जो कंट्रीज हैं उनके अंदर हमारा इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है मेंबर्स के बीच में। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इम्प्रूव, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो अच्छी हो जाती है कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक्सपोर्टर कैन प्ले हिज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू ओवरसीज मार्केट विद मोर सर्टेनिटी बिकॉज ऑफ रेगुलर सेलिंग, जो एक्सपोर्टर्स होता है एक्सपोर्ट करता है गुड्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि उसकी जो सर्टेनिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ रेगुलर सेलिंग, वो बार बार उसको जब बार बार उसको रेगुलरिटी में उसको करना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस, मतलब इसकी क्या क्या बेकार बातें हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर। अ लार्ज एक्सपोर्टर कैन नॉट बारगेन, मतलब जो लार्ज एक्सपोर्टर्स होते हैं वो बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं करवा सकते रेट्स को, तो इसके अंदर क्या रहता है, लो रेट रहता है, कम से कम रेट रहता है। बिकॉज ऑफ शिप ओनर कैन नॉट रिड्यूस द रेट, क्यों रहता है, क्योंकि जो शिप ओनर है वो रिड्यूस नहीं कर सकते रेट्स को, क्योंकि उन्होंने कॉन्फ्रेंस सिस्टम का वो पार्ट है। मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस आर रेक्टुलेंट, दे रेसिस्ट चेंजेस, मतलब बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस तो ऐसी है जिसके अंदर क्या है, मतलब चेंजेस की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमने देखा अपनी कॉन्फ्रेंस सिस्टम, जिसके अंदर हमने फीचर्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लीनियर शिपिंग और ट्रांस शिपिंग के बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें। थैंक यू।